नमस्कार, आप देख रहे हैं जीबीएन 24 न्यूज। आपके साथ मैं हूं राशि। आइए खबरों की शुरुआत करेंगे। अमेठी 2022 के विधानसभा चुनाव में अमेठी में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की। उड़नदस्ता टीम और जगदीशपुर कोतवाली पुलिस ने बड़ी मात्रा में नकदी बरामद की। पुलिस टीम को तीन अलग अलग वाहनों से बरामद हुई नकदी को लेकर पूछताछ के बाद पैसे को ट्रेजरी में जमा कराने की कार्रवाई में पुलिस जुट गई है। जगदीशपुर कोतवाली क्षेत्र के अलग अलग स्थानों से बरामदगी हुई है। कुल 17,15,200 रुपए बरामद किए गए हैं। पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि पहले चरण में सपा और गठबंधन ने शतक लगा दिया है। उन्होंने कहा कि तीसरे चरण से सातवें चरण तक बीजेपी के बूथों पर भूत दिखाई देंगे। बीजेपी की सरकार ने मेडिकल कॉलेज का काम पूरा नहीं किया, पैरा मेडिकल कॉलेज भी शुरू नहीं कराया। अखिलेश ने आगे कहा कि मंडी भी नहीं बना पा रहे और चुनाव आते ही ईंट लगाना शुरू कर दिया। आप लोग मदद करोगे तो हम विकास करेंगे, साजिश करके लोकसभा का चुनाव हराया। उन्होंने कहा कि सुना है वर्दी उतार कर कुछ लोग आ गए हैं जिन्होंने अब तक लूटा है। जाति के आधार पर न्याय दिया गया, चुनाव लड़ाना था तो वर्दी उतार दी। जब वर्दी पहने थे तो कितना अत्याचार समाजवादियों पर किया होगा। गर्मी निकालने वालों के कार्यकर्ता पहले चरण के बाद ठंडे पड़ गए। अखिलेश ने आगे कहा कि सरकार ने इत्र का कारोबार बढ़ाया नहीं बल्कि कारोबार को बदनाम कर दिया। पांच दिन टीम सपा कारोबारी के यहां रही लेकिन कुछ नहीं मिला। गौशाला के नाम पर ये पैसा खा गए। खाली नौकरियों को भरने का काम हम करेंगे। यूपी के अमरोहा पहुंचे राकेश टिकैत भाजपा सरकार पर जमकर बरसे और कहा कि सरकार हिजाब के मुद्दे में उलझा रही है जबकि जनता बैंक घोटालों का हिसाब और किताब की बात कर रही है। ये स्कूल बंद रखकर देश की जनता को अनपढ़ करना चाहते हैं। भाजपा हिंदू मुस्लिम दंगा कराना चाहती है। खबर यूपी के अमरोहा से है। 16 फरवरी 1988 को शहीद हुए किसानों की श्रद्धांजलि सभा में पहुंचे राकेश टिकैत ने भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार हिजाब के मुद्दे में उलझा रही है जबकि जनता हिसाब और किताब की बात कर रही है। ये स्कूल कॉलेज बंद कर देश की जनता और बच्चों को अनपढ़ रखना चाहते हैं। बैंक से कौन कौन कंपनी पैसे लेकर भागी है उस पर बात करो, गन्ने के भुगतान पर बात करो, इन सब पर बात करो, हिसाब और किताब पर बात करो। ये चाहते हैं कि देश में हिंदू मुस्लिम दंगे हो, रणनीति यही है लेकिन देश की जनता ने पूरी तरह नकार दिया है। जो प्रतिबंधित शब्द थे उनका 2 महीने से इस्तेमाल कर रहे हैं, हिंदू मुस्लिम जिन्ना पाकिस्तान, लेकिन देश की जनता इन मुद्दों पर इनसे कोई बात नहीं करना चाहती। जनता चाहती है कि हमें हिसाब और किताब दो। और जा रहे हैं हम बड़ी अदालत में करेंगे। साथ ही साथ हिजाब का मुद्दा चल रहा है, इस पर आपकी क्या राय है? हमने तो कहा भाई इनसे हिसाब किताब करो, ये हिजाब की बात कर रहे, आप अपना हिसाब और किताब इन दो चीज पर बात करो। ये स्कूल बंद रख के देश की जनता को, बच्चों को अनपढ़ रखना चाहते हैं उस पर बात करो। बैंकों से कौन कौन कंपनी पैसे लेकर भागी उस पर बात करो, गन्ने के भुगतान पर बात करो, जिसको जो भी नुकसान हो रहा है उन सब पे बात करो, हिसाब और किताब पे बात करो। हिजाब पर ही चलने वाला ये अभी भी ये चाहते हैं कि देश में हिंदू मुस्लिम दंगे हो, अभी भी इनकी पूरी रणनीति ये है। लेकिन देश की जनता ने पूरा नकार दिया इनको, उस लाइन पे देश की जनता जाना नहीं चाहती। जो प्रतिबंधित से शब्द थे उनका पिछले 2 महीने से ये इस्तेमाल कर रहे हैं, हिंदू मुस्लिम जिन्ना पाकिस्तान, वो देश की जनता भी इन मुद्दों पे कोई बातचीत इनसे करना नहीं चाहती। हमें हमारा हिसाब किताब दो। सूबे के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने आज कन्नौज के छिबरामऊ में एक जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए लोगों से भाजपा के लिए समर्थन मांगा। इसके साथ ही उन्होंने सपा सरकार पर तंज कसा। इत्र व्यापारी के यहां पड़े छापों पर भी डिप्टी सीएम ने सपा पर निशाना साधा। कन्नौज के छिबरामऊ विधानसभा क्षेत्र के एक कोल्ड स्टोरेज में मंच पर पहुंचे उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य। जनता का अभिवादन करते हुए भाजपा के तीनों प्रत्याशियों को वोट देने की उन्होंने अपील की। जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि 2017 में आपने कमल खिलाया, सरकार ने सभी जरूरी चीजें आप तक पहुंचाने का काम किया है। हमारी सरकार की प्राथमिकता है
कि सभी सुखी रहें, चाहे अमीर हो या गरीब। लगातार गरीबों के लिए तमाम योजनाएं चलाई जा रही हैं, गरीबों को आगे लाया जा रहा है, विकास का काम कराया जा रहा है। उन्होंने कहा कि 2017 से 2022 तक जो आपने देखा वो ट्रेलर था और चुनाव के बाद अब पूरी पिक्चर दिखाई जाएगी। 2.5 करोड़ गरीबों के घर के सामने शौचालय बनवाए, 2 करोड़ से अधिक माताओं बहनों के नाम से रसोई गैस का कनेक्शन देने का काम किया, जिन गरीबों के घर में बिजली नहीं पहुंची तो बिजली पहुंचाने का काम किया, आयुष्मान भारत योजना में 5 लाख रुपए तक के इलाज कराने के लिए हमने आयुष्मान भारत योजना का कार्ड देने का काम किया। 2022-23 के बाद जितने भी यहाँ किसान और सरकारी निजी नलकूप लगाया, अभी 1.5-2 हजार मिलाताओं का जैसे हाथ पावर की मोटर आपने लगाई होगी, लेकिन 10 मार्च के बाद मेरे किसानों को बिजली का बिल देना नहीं पड़ेगा, सरकार उन्हें वादा करने का काम करेगी। सरकार के समय 3 रुपया महिला पेंशन, चाहे दिव्यांग हो, चाहे वृद्धावस्था पेंशन हो, चाहे विधवा पेंशन हो, देते थे हमने उसे बढ़ा करके 1,000 किया है। 10 मार्च के बाद 1,500 रुपया पेंशन देने का काम करेगा। अभी बेटियों का विवाह करने के लिए 51,000 दिया जाता था, लेकिन 10 मार्च के बाद दूसरी पारी शुरू होने के बाद आप विश्वास रखना हम 1,00,000 रुपए हर बेटी के विवाह करने देंगे। दो चरण का चुनाव हो गया है अनुमाना, 2 चरण का चुनाव हो गया है और 2 चरण के चुनाव में ही साइकिल उड़ करके साइकिल पहुंच गई। अब यहाँ साइकिल चल नहीं पाएगी, कह रहे जल्दी चुनाव है तो भी उड़ नहीं पाएगा हेलीकॉप्टर, कल भी मेरी सभाएं लगी है। मैं आज आप सब लोगों से समय का अभाव के बाद यही निवेदन करके जा रहा हूँ, यहाँ प्रत्याशी मैं नड़कना को नहीं केशव प्रसाद मौर्य को समझना और पूरी ताकत लगा करके कांग्रेस चलाने का काम कर रहा हूँ। मेरे ऊपर दर्ज होगा, विकास की बयान ना करने का काम करूंगा, यह भी आपका भरोसा दिला। भाजपा सरकार में भूखमरी और बेरोजगारी रही, ये बात सपा नेता क्रांति कुमार सिंह ने जनसंपर्क के दौरान कही। मोहम्मदी विधानसभा से सपा प्रत्याशी दाऊद अहमद के लिए संपर्क कर वोट मांगे। उन्होंने भाजपा सरकार पर जमकर तंज कसा और कहा भाजपा सरकार में बेरोजगारी और भूखमरी बड़ी है। उन्होंने कहा कि यूपी से पैसा गुजरात जा रहा है, गरीबों का कर्जा माफ नहीं किया जा रहा, गरीब बेरोजगारी और भूखमरी से परेशान है। अब समय आ गया है सरकार बदलने का, नए मुख्यमंत्री अखिलेश यादव बनेंगे। उन्होंने कहा कि बाबा योगी गौशालाओं की बेहतर सुविधा की बात करते लेकिन गौशालाओं का हाल बहुत बुरा है, गौशालाओं में पशुओं की मौत भूख की वजह से हो रही है। आगे क्या बोले सपा नेता क्रांति कुमार सिंह, आइए आपको सुनाते हैं। में सिर्फ लाठी, सिर्फ बेरोजगारी, सिर्फ भुखमरी और बेकारी झेलने को मिली है और इस 5 साल के बाद जब ये चुनाव हम लोगों के सामने 2022 में है तब निश्चित रूप से जो ताकतें पूरे उत्तर प्रदेश को बर्बादी के रास्ते पे ले जाने का काम की है, जिन ताकतों ने उत्तर प्रदेश के किसानों को लाठी और गोली और काले मुकदमों का डर दिखाया और हम लोगों को नोटबंदी की लाइन से लेकर के हम लोगों को खाद की लाइन तक में लगाने के लिए और मरने के लिए छोड़ दिया, आज उनसे बदला लेने का समय है। जिन लोगों ने 5 साल तक गन्ना किसानों का एक भी पैसा नहीं बढ़ाया, जिन लोगों ने बिजली के रेट बढ़ाए, जिन लोगों ने लगातार महंगाई बढ़ाई, जिन लोगों ने लगातार खाने की दलाली बढ़ाई, हम जानते हैं आज भी जिनके घरों के ऊपर भाजपा के झंडे लहरा रहे हैं उनके असलियत ये है कि उनकी जितनी इमारत की बुर्जी ऊंची हुई है वो गरीबों के खून पसीने की गाढ़ी कमाई को लूटने के बाद हम लोगों को जानते हैं जो 5-5-10-10 हजार रुपए की दलाली भाजपा के कमल के झंडे के नाम पर लोगों का खून पीने का आज बदला लेने का वक्त है। इन सारी ताकतों से जो लोग एक विधायक को जिताए थे इस इलाके के अंदर, लोगों ने समझा था कि विधायक जीतेगा तो कुछ काम करेगा, लेकिन विधायक ने जीतने के बाद विकास के काम करने की बजाय बालू बेचने का काम शुरू कर दिया, मिट्टी बेचने का काम शुरू कर दिया
अगर बालू और विधायक अगर मिट्टी बेचेगा तो विकास कौन करेगा। इसलिए जो आप कोरोना के काल में आपने देखा, जब लोगों की जिंदगी की सांसें टूट रही थी, उस अगर बगैर धर्म और जाति को देखे 102 108 आप जब मिलाते थे तो आपके एक फोन कॉल में एम्बुलेंस आपके दरवाजे पे आती थी। वो समाजवादी पार्टी की योजना थी, वो माननीय अखिलेश यादव जी की योजना थी, लेकिन इनके इनके बुलाने पे सांव आते हैं, इनके बुलाने पे गलिया आती है, इनके बुलाने पे गुंडा आते हैं। और जिस तरीके से पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर बहन बेटियों के ऊपर हमले बढ़े हैं, आपके इसी पसगवां ब्लॉक के अंदर जो लोग आज बिरादरी की दुहाई दे रहे हैं, उस दिन बिरादरी कहां गई थी जिस दिन ब्लॉक के ऊपर मैं पर्चा भराने के लिए गया था। अगर आपकी बिरादरी थी उस दिन भी आपको मेरा सम्मान करना चाहिए था। और निश्चित रूप से हम आज से आपसे ये कहने के लिए आए हैं कि आप इस चुनाव में एक दलाल, एक बेईमान, एक विकास अवरोधी विधायक को हराने का काम करेंगे, जिसने माँ गंगा को, जो आदि गंगा गोमती है, जिसने खोद करके बर्बाद करने का काम किया है, ऐसे लोगों को आप इस चुनाव में हराने का काम करेंगे। शुल्का जैसी बढ़ती हुई महंगाई ने हमने देखा भाजपा के राज में घर घर में सिलेंडर तो बांटे गए, लेकिन 1000 रुपए का सिलेंडर का रेट करके गरीबों के घर में जलने वाले। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। अपडेट्स के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।